Subscribe and hit the the bell notification on on to to get all my new videos on the go. Assalamualaikum everyone, welcome to Kitchen official. I hope you all are doing well. So without any further ado let's start the video. हमारी आज की रेसिपी है बीफ biryani बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें बीफ यानी बड़े का गोश्त चाहिए तीन पाओ से एक किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं हड्डी वाले गोश्त से खानों में जायका अच्छा आता है इसलिए हम ये यूज करते हैं हमें प्याज चाहिए, चाहिए चार अदद टमाटर चाहिए एक कप दो से तीन अदद बड़े साइज के दही चाहिए ऑलमोस्ट एक कप हरी मिर्चें पंद्रह से बीस अपनी जरूरत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप हमें लहसुन चाहिए दो टेबल स्पून ये बारीक देसी लहसन है तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है हमें कुटी हुई अदरक चाहिए दो टेबल स्पून अब हम फ्लेम को फुल आंच पर कर एक पतीली चढ़ा देंगे अब हम पतीली में बगैर ऑयल डाले गोश्त डाल देंगे क्योंकि बड़े के गोश्त में पहले ही ऑयल मौजूद होता है तो इसलिए हम ऑयल को बाद में ज़रूरत के मुताबिक डाल लेंगे अब इसमें पानी शामिल करें हम पानी बस इतना शामिल करेंगे जितने में ये गोश्त आसानी से गल जाए अब इसमें कटी हुई प्याज डाल दें हम यहीं इसी स्टेप में सारी प्याज यूज़ करेंगे इसलिए हमें प्याज को बचाकर रखने की जरूरत नहीं है अब इसमें कटे हुए सारे टमाटर शामिल कर दें इसके बाद हम इसमें साबुत लहसुन ऐड करेंगे लहसन को कूटने या काटने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें कुटी हुई सारी अदरक शामिल कर दें हमारे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स गोश्त के गलने तक आराम से घुल जाएंगे अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें इसके बाद हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की बारी आएगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे सबसे पहले नमक दो टीस्पून, यानी ऑलमोस्ट वन एंड हाफ़ टेबल स्पून हमें हल्दी चाहिए एक टीस्पून हमें लाल मिर्च चाहिए एक टीस्पून अब आप इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़े और पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ कप अब पानी में तमाम इंग्रेडिएंट्स को बराबर मिक्स कर कर हम तकरीबन एक से डेढ़ घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उतने टाइम में हमारा गोश्त गल जाएगा अक्सर सिटीज़ में पानी के फर्क की वजह से गोश्त देर से गलता है अगर आपकी सिटी में भी ऐसा होता हो तो आप चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं जब हमारे गोश्त के मसाले में उबाल आने लगे तो हम आंच को हल्की करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे और ढक्कन ढाँप देंगे आप देख सकते हैं हमारे मसाले में उबाल आ रहा है तो पतीली पर ढक्कन ढाँप दें तकरीबन एक घंटे बाद गोश्त गल चुका है आप देख सकते हैं कि इसमें पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई है मैं हरी मिर्चें डालकर रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी तो इसीलिए मैंने हरी मिर्चों को वापस निकाल कर अब आपको डालकर दिखाया है खैर हरी मिर्चें डालें ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो इसलिए इनकी कंडीशन अभी भी वैसी है अब हम मसाले में अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिनमें सबसे पहले मैंने आलू बुखारे डाले हैं मैंने तकरीबन आठ से दस आलू बुखारे लिए थे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमें बाद में जितने ऑयल की जरूरत होगी हम उतना ऐड कर लेंगे तो अब मैं तकरीबन एक कप ऑयल ऐड करूंगी इसके अंदर क्योंकि जब हम हड्डी वाला गोश्त यूज करते हैं तो उसका अपना भी ऑयल छूटता है अब हम इसके अंदर ऑलमोस्ट एक कप दही ऐड करेंगे दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम तकरीबन पाँच से दस मिनट इसकी मजीद भुनाई करेंगे उसके बाद ये रेडी होगा चावलों में मिक्स करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि भुनाई के बाद गोश्त का ऑयल छूट चुका है याद रहे कि आपने गोश्त की भुनाई फुल आंच पर करनी है अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी तेजी से बबल्स उठ रहे हैं अब मैं जो स्टेप करने जा रही हूँ वो एडिशनल है अगर आप चाहें तो बाजार से रेडीमेड बिरयानी मसाले का पैक लेकर डाल सकते हैं वरना इसकी जगह आप जायफल जायत्री जीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अब हम बिरयानी मसाले को अपने गोश्त के मसाले में मिक्स कर लेंगे हमारा मसाला मिक्स होने के बाद भुनकर रेडी है अगर आपको इसमें स्पाइसेस कम लगें तो आप हरी मिर्च कुटी हुई या चॉप की हुई शामिल कर सकते हैं अब हम गोश्त के मसाले का चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद चावल बॉईल करेंगे अब सबसे पहले चावल बॉईल करने के लिए चूल्हा ऑन करें और इस पर एक पतीला रख दें अब पतीले में चावलों की क्वान्टिटी से दो गुना ज़्यादा पानी डाल लें और पानी को फुल आंच पर बॉईल होने के लिए छोड़ दें और इसमें साथ ही एक टीस्पून स्पून जायफल जायतरी ऐड करें एक टीस्पून स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करें और फिर छः टीस्पून नमक ऐड करें चावल बॉईल करते हुए हम जितना भी नमक डाल लें चावल अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन फिर भी हम उतना ही नमक ऐड करेंगे जितना चावलों को ज़रूरत है अब हम चावलों में दो टी सिरका ऐड करेंगे सिरका डालने के बाद हम पतीले का ढक्कन ढांप देंगे ताकि पानी बॉयल हो जाए तकरीबन दस से पंद्रह मिनट बाद पानी बॉयल हो चुका है अब हम इस उबलते हुए पानी में चावल ऐड करना शुरू कर देंगे मैं कच्ची बासमती चावल की बिरयानी बना रही हूँ मैंने बिरयानी बनाने के लिए डेढ़ किलो चावल लिए थे मैंने सोचा अगर आपको मैंने पहले नहीं बताया तो दोबारा बता दूं कि मैंने चावल डेढ़ किलो लिए हैं ये चावल हमारे पानी के नॉर्मल पाँच गिलास बनते हैं तकरीबन पाँच से दस मिनट के अंदर अंदर ये चावल बॉयल हो जाएंगे ऑलमोस्ट पाँच से सात मिनट बाद ये ऐसे दिखेंगे हम इनको थोड़ी सी देर और बॉईल करेंगे उसके बाद ये तकरीबन दो मिनट के अंदर रेडी होंगे साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं जब चावलों में एक कन्नी रह जाएगी तो हम इनको छान लेंगे और इनके गलने की बाकी की कसर दम लगने पर पूरी हो जाएगी तो अब मैं चावल छान रही हूँ चावलों का पानी गिराने के बाद हम बिरयानी की लेयरिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप चावलों को छन्ने में एक तरफ निकाल कर रख दें उसके बाद हम लेयर लगाना शुरू करते हैं हम चावलों की लेयर लगाने के लिए वही पतीला इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था तो हमने जो गोश्त का मसाला बनाया था उस पर जो ऑयल ऊपर आ गया था सबसे पहले वो ऑयल हम पतीले में सबसे नीचे डाल देंगे हम ऑयल की लेयर लगाने के बाद बीफ और मसाले की एक लेयर लगाएंगे आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर बीफ वाली चीज़ें क्यों बनाती हूँ असल में जो आजकल चिकन आता है वो इतना हेल्दी नहीं है इसीलिए हम जितना कम से कम चिकन यूज़ करें उतना ही हमारी सेहत के लिए बेहतर है तो इसीलिए बस मैं आपको वही सेम रेसिपीज़ चिकन की जगह बीफ में बनाकर दिखाती हूँ तो अब हम अपनी चावलों की पहली लेयर लगा लेंगे इसके बाद फिर से बीफ और मसाले की एक लेयर लगाएंगे इसी तरह हम दो से तीन बार बीफ और मसाले की लेयर फिर चावलों की लेयर फिर बीफ और मसाले की लेयर फिर चावलों की लेयर और फिर भी फिर मसाले की लेयर लगाकर चावलों की लास्ट लेयर लगाएंगे <laughs> तो ये इसी तरह प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा और एक बहुत अहम बात बताती चलूँ अब आपको मैं अगर आप अपनी बिरयानी को एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू देना चाहते हैं तो वैसे यह स्टेप ऑप्शनल है लेकिन अगर आप चाहें तो कटे हुए पुदीने की एक लेयर लगा सकते हैं तो देखिए मुझे पुदीना पसंद है तो इसलिए मैंने पुदीने की एक लेयर लगा ली है लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी लगाएं तो चलेगा इसके बाद हम बिरयानी में ऑरेंज कलर छिड़केंगे ये ऑरेंज कलर वही जर्दे वाला कलर है जो हम जर्दा बनाते हुए यूज करते हैं अगर आपको लगे कि ड्राई जर्दा कलर डालने से बिरयानी कड़वी हो सकती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि बिरयानी जरूरत से ज्यादा कलर डालने पर कड़वी होती है लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो कलर को पानी में मिक्स करके यूज कर सकते हैं इसके लिए एक कप में आप दो से तीन टेबल स्पून पानी लें और उसमें तकरीबन दो से तीन पिंच कलर डालें और उसके बाद उसको एक स्पून से मिक्स करने के बाद अपनी बिरयानी में हर तरफ बराबर फैला दें और अगर आपको केवड़ा एसेंस पसंद है तो आप उसके भी दो से तीन ड्रॉप्स पानी के साथ ऐड कर सकते हैं ये मैं उसी पानी की बात कर रही हूँ जिसमें आप कलर मिक्स कर कर यूज करेंगे तो उसी में चाहें तो केवड़ा एसेंस डाल लें अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें ये भी ऑप्शनल है मुझे केवड़ा एसेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद इसलिए मैं यूज नहीं करती बट इट्स अप टू यू अगर आप चाहें तो यूज करें अगर नहीं चाहते तो ना करें तो साथ ही साथ बातों और मश्रों के हमारी बिरयानी की लेयरिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो अब हम राइस की टॉप पर कुछ मिंट लीव लगा देंगे दम लगाने से पहले ये मैंने वैसे ही लगा दिए थे लेकिन आप ये वापसी पर तो मत रखिएगा कि आपको वैसे ही मिलेंगे खैर मैंने चूल्हा ऑन करके इसकी आंच फुल कर दी थी और उसके ऊपर एक तवा रखकर उसके ऊपर मैंने अपना पतीला रख दिया था जिसमें हम बिरयानी बना रहे हैं तवा गरम होने पर पतीले की आंच हल्की कर दी थी मैंने तो तकरीबन 10 मिनट के दम के बाद आपकी बिरयानी भी कुछ ऐसे ही दिखेगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेट लेवस अपनी उस कंडीशन में नहीं रहेंगे तो वैसा ही हुआ हीट की वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है खैर अब हम बिरयानी को मिक्स करते हैं बिरयानी को मिक्स करने के बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है अब इसको किसी ट्रे में निकालेंगे हम और सर्व करेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक टिप देती चलूँ मैं कि अगर आप बिरयानी को खूबसूरत कलर देना चाहते हैं तो पहले थोड़े से वाइट कलर के चावल निकाल कर अर्ग रख लीजिएगा और जब आप बिरयानी मिक्स करने के बाद सर्व करने लगें तो उसमें वो वाइट चावल मिक्स कर दीजिएगा इस तरह बिरयानी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और लाइट और डार्क कलर्स मिक्स होकर बहुत ही प्यारी लुक देंगे तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार करना भी मत भूलिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी भी मत भूलिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल का चक्कर जरूर लगाते रहिएगा और मेरी वो फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बिरयानी की रेसिपी के लिए कहा था तो खास तौर पर ये रेसिपी आपके लिए है तो अब आप बिरयानी के फोटो सेशन और वीडियो सेशन को इंजॉय कीजिए माय इंस्टाग्राम इज एनीस किचन ऑफिशियल डोंट फॉरगेट टू फॉलो इस रेसिपी को घर में ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़